रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी डॉक्टर, डिजीनेस है अभी भी, मैं मेडिसिन ले रही हूँ ऐसे। डॉक्टर मैं आपको करती हूँ, हाँ थोड़ी देर में फोन। जी आ गए आप? हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं पानी लाती हूँ। मुझे तो लगा घर में खड़े रहने की जगह नहीं होगी। हाँ, कहीं डिजाइनर, कहीं सामान, कहीं कर्मचारी। वो आई का फोन आया था, कह रही थी कि अस्मि और रोहित की शादी की डेट फिक्स हो गई है, 5 तारीख। 5 तारीख मतलब 3 दिन बाद। अनुज, मैं सोच रही थी कि अगर शादी में हम दोनों की पूरी फैमिलीज रहें तो कितना अच्छा होगा। हा? मगर मैं श्रेया के बारे में सोच रही थी। आई मीन विल शी बी ओके? वो रोहित है ना, तो उसका पास है। श्रेया बहुत मैच्योर लड़की है, वो समझती है कि बीती बातों को प्रेजेंट में लाने से बस जिंदगी बर्बाद होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अनिकेत की तरह नहीं है, जिसे ना रिश्ते बनाने आते हैं ना निभाने। इसी मेरी पीठ पीछे तो मैं भड़का कर चला गया, लेकिन ये ले जाना भूल गया। श्रेया, हाय। सुनो, मैंने अनिकेत को समझा दिया है, तुम चिंता मत करो। हाँ, थैंक यू मोटा भाई। अच्छा सुनो, अस्मि की शादी की तारीख फिक्स हुई है 5 तारीख को, तो तुम आओगी ना? ऑफ कोर्स मोटा भाई, मैं तो डेफिनेटली आऊंगी। गौरवी की बहन की शादी है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं उन लोगों में से हूँ नहीं ना जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों के साथ खुशी नहीं मना सकती। अल्पित है, और वैसे भी अनी होगा वहां पे, अनी के साथ बात कर लूंगी मैं। हेलो भाई, हेलो, नेटवर्क बहुत खराब है, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। ओके, रोड को मुझे छीन लिया। देखा कितनी मैच्योरली हैंडल किया उसने सिचुएशन को। अनिकेत को खुद समझ में नहीं आता है तो उसे समझाओ कि एक रिश्ता निभाने के लिए दो लोगों का बात करना जरूरी है। करेक्ट, बात करना जरूरी होता है। और तुम्हें लगता है कि अनुज जो बोल रहा है उसका मतलब खुद नहीं समझता वो? हाँ एग्जैक्टली, हमारे बीच ना वो पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे शादी को 20-25 साल हो गए हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं क्योंकि रहना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके गौरवी, टेल मी सीरियसली, माना अनुज बात नहीं करता, पर सच बताओ क्या तुम कोशिश करते हो अनुज से बात करने के लिए? ऑफकोर्स, मतलब मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है बात करने का। या तो खाना लगा दो, कपड़े प्रेस हुए कि नहीं हुए, बस। मतलब घर भी आते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि घर आए हैं, ऐसा लगता है कि किसी होटल रूम में चेक इन किया होगा। सी गौरवी, यू एंड अनुज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल कपल आई नो, डोंट डिस्ट्रॉय इट, संभाल लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दीप्ति, यू आर अ नाइस गर्ल एंड आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स। श्रेया ने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं। आई एम स्टिल अ मैरिड मैन और तुम्हें लेकर मैं बिल्कुल भी कैजुअल नहीं सोचता हूँ। आई नो बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी क्लैरिटी चाहिए होगी, पर सीरियसली इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्या लगता है कितना टाइम जाएगा? एक साल, दो साल, तीन साल, चलो पांच साल। आई एम विलिंग टू वेट। अनिकेत, मैं जानती हूँ तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और क्या फील करते हो, स्टिल तुम मुझसे सब कुछ ऑनेस्टली शेयर करते हो, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं लाइफ में भले ही लेट स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरा फाइनल डिसीजन सही होना चाहिए और तुम वो सही डिसीजन हो। चलो जाओ, अब शादी वाला घर है, 100 काम होंगे तुम्हारे। मैं जाती हूँ। सी यू। थैंक यू। कैसे बताऊं इन बहती हवाओं को, ले जाए मेरी डोली को चांद पे, इन बादलों से मैं उसको निहारूं, मिलने का लम्हा अब पास है। कभी सपनों में देखा ना ऐसा समा, नई जिंदगी की है नई सुबह। आसमी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें वेडिंग गिफ्ट? दिल खोल के मांगो। डायमंड्स, कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे हॉलिडे, हाँ, नेम इट, नेम द प्लेस एंड आई विल सेंड यू देयर। हाँ जीजू, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या? और मैंने आई बाबा से भी परमिशन ले ली। वो तो बहुत खुश है इस बात से। आपको पता है क्या? क्या? मैं चाहती हूँ कि आप और ताई मेरा कन्यादान करो। जरूर जीजू, ये अस्मी ने बनवाया आपके लिए, एक बार ट्राई कर लेते कुछ ऑल्ट्रेशन हो तो। फिटिंग ठीक लग रही है आपको? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट ही हो, थोड़ा 19-20 हो तो चला लेना चाहिए। हर चीज पे सुई धागा कैची चलाने लगे तो ठीक है। हो गया? हाँ, कैसा लग रहा हूँ? नाइस। देखा क्या? क्या? चलो आओ। अच्छा लग रहा है ना? अगर रोहित की फैमिली ने मुझे पर्सनली इनवाइट नहीं किया होता ना, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मोटा भाई, बाहर नहीं है यहाँ पे, बजट का इश्यूज आ गया। मैंने सुना कि आपने 15% डाला और फिर भी। एनीवे, नेवर माइंड, अगर बाहर भी होता तो क्वालिटी ऑफ द अल्कोहल वेरी बैड। ऋषि, जरा उन्हें मिलकर आते। आज यू लुकिंग नाइस। थैंक्स। मैं कैसी लग रही हूँ? नाइस। थैंक यू मोटा भाई। ऐसा लग रहा है कि अनिकेत आपकी बात सुन रहा है। ठीक हो? वो आई थिंक रात को ढंग से सोई नहीं तो इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, वो कल रात को आए बाबा के यहाँ थी ना, कामकाज में वहाँ
ठीक से आराम करने की जगह भी नहीं मिली होगी। शादी के बाद हम लोग घर लौट जाते हैं और मैं वहाँ जाके एकदम बड़ा वाला वो ऑक्सी प्योरीफायर लगवा देता हूँ। क्यों? उससे सांस अच्छी आती है। तो वो तो जब तुम पास होते हो तब भी आती है। चले। सुनो ना, थोड़ा धीरे चलें क्या? धीरे चलने से पीछे छूट जाते हैं, चलो। और तेज चलने से यादें पीछे छूट जाती है। राकेश भाई कभी देर नहीं करते, आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तुम क्या कह रही थी? चलो चलते हैं। आई दीप्ति, मेरे ऑफिस का लीगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बस ठीक, बस ठीक। ये क्या है? इस तुम्हारे भाई ने इस लड़की को यहाँ पे भी बुलाया और तुम्हारी माँ उसका स्वागत कर रही है, ये चल क्या रहा है? ऐसा है तो मुझे बता देते, मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं बुलाता। अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। अनिकेत जरा यहाँ आना तो, एक मिनट। हाँ हाँ जी। अनिक क्या कर रहा है तू? इस लड़की को यहाँ क्यों ले आया? इस लड़की? दीप्ति मेरी फ्रेंड है, अभी बताया आपको, उसको यहाँ बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? अनिक तेरे ससुराल वाले हैं यहाँ, गौरवी के ससुराल वाले हैं, श्रेया भी है, उन लोगों को कितना बुरा लगेगा सोचा है तूने? अनुज मुझे नहीं पता था कि अनिक उसको बुलाने वाला है। जैसे तुम्हें ये भी नहीं पता था कि यह लड़की अनिकेत को शादी से पहले से जानती है, इनकी आज भी बातचीत चल रही है, ये भी तुमने मुझे नहीं बताया। और वैसे ही तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि आज अनिकेत इस लड़की को यहाँ पे बुलाने वाला है, करेक्ट? कुछ काम डाउन, यू स्ट्रेसिंग मी। स्ट्रेसिंग यू? हाँ, मतलब बहुत स्ट्रेस है, मैसेज से भी बोल। वो जब इस लड़की को यहाँ पे देखेगी, तुम दोनों भाई बहन ने सोचा कि मेरी बहन पे क्या बीतेगी? और मेरा क्या है? पूरी सोसाइटी में मेरी इंसल्ट, अब मुझे अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से बितानी पड़ेगी। आई श्रेया डजंट वांट टू बी विद मी, आई डोंट वांट टू बी विद हर। व्हाट डू यू वांट? दैट यू वांट मी टू सफर? अनुज मैं हनी से बात करूंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाके हनी से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ इस लड़की को यहाँ से भेज दे। देखो अगर वो नहीं आई होती तो बात और होती, लेकिन ऐसे आए हुए मेहमान को वापस भेजना बहुत रूड लगेगा। रूड? हाँ, और इस घर की बहू के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वो रूड नहीं है। इनकी लव स्टोरी में मेरे अलावा कौन सा विलेन आ गया? कॉन्स्टेंटली झगड़ा कर रहे हैं। आर यू श्योर मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोर्स नॉट, आई एम ग्लैड यू केम। नो एक्चुअली श्रेया इज अराउंड। तो क्या हो गया? सी आई थिंक अब जितना जल्दी श्रेया की सच्चाई सबके सामने आ जाए सबके लिए अच्छा है। इट्स ओके। अनुज मैं कह रही हूँ ना कि मैं अनी से बात करूँगी, हम मिलके कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकालेंगे। गौरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अस्मी ने बुलाया है। सॉरी अनुज जी, बस दो मिनट के लिए आपकी वाइफ को आपसे दूर लेकर जा रही हूँ, आप मैनेज कर लेना। चलो चलो चलो। We'll be right back. Just gonna go have some fun. Okay. Hi. Introduce nahi karvaoge? Of course. Dipti, my friend. Hello. Mujhe to janti hogi. I'm his wife. So it's you who's screwing my husband nowadays. Mind your tongue, Shreya. In fact, you should mind your tongue. Kahin bhi slip ho raha hai aajkal. Waiter. Wait a second. Have this. Just like those low class couples on Marie Drive. Have it. No. Waiter. Take this. Thank you. So, Deepthi, क्या करती हो? तुम्हारा फैमिली बिजनेस एंटीक का है क्या? आई मीन ये बंदा किसी एंटीक से तो कम नहीं है।
अनी, अनी डोंट डू दिस टू मी. अनी आई लव यू लॉट. आई रियली लव यू लॉट. ऐसा मत करो मेरे साथ. डोंट लीव मी प्लीज. मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज. प्लीज मेरे पति को छोड़ दो. आई रियली लव यू अनी. यू आर नॉट अनी. यू कैन स्टॉप दिस ड्रामा. डजंट अफेक्ट मी. ये मेरा प्यार ड्रामा लग रहा है. इट्स ऑल ड्रामा फॉर यू. Everything will be fine. सब ठीक हो जाएगा. क्या कर रही थी तुम? I don't want to live. I just want to die. I just want to. Stop it. Leave her. Leave her. आपको हमारे सामने एक झूठे कंसर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. Okay? उसकी लाइफ को एक तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने. ये सब आपकी वजह से है. Okay? ऋषि मुझे मत सिखा. प्रिया मेरी भी बहन है. मुझे भी उसकी फिक्र है. देख लिया अंदर मैंने. अगर आपको अपनी बहन की इतनी भी फिक्र होती ना तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती. Look at her. She's lost. And this is because of your fucking brother-in-law. I'll ask you a question, मोटा भाई. आपने कभी श्रेया के लिए एक स्टैंड लिया है? आपको हमेशा कंसर्न है कि ऋषि का इंटेंशन क्या है. आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए वापस. ओके? मैं श्रेया का ख्याल रखूंगा और मैं मॉम के लिए गाड़ी भेज दूंगा. और अगर आपको श्रेया के लिए कुछ करना है ना, tell that to stay away from us.